आरा सासाराम रेलवे लाइन का जो है हम मौजूद हैं, 28 नंबर जो क्रॉसिंग जो है यहाँ पर मौजूद है, और आपको बता देना चाहते हैं रेलवे के द्वारा इसको जो है क्रॉसिंग जो है बंद करने का आदेश आया था। हालांकि बंद करने का आदेश के बाद से जब ग्रामीण लोगों को ये पता चला कि हमारा जो रोड है यहाँ से बंद होने वाला है, तो यहाँ पर अनशन भी दिए हुए हैं। यहाँ पर वही लोकेशन जो है जिस लोकेशन पर हम लोग हैं, यहीं क्रॉसिंग नंबर 28 है जो कि ECR हाजीपुर के अंतर्गत आता है, मंडल जो है DDU के मंडल के अंतर्गत आता है, जो कि कुछ लोग हैं मौजूद हैं, युवा लोग हैं, बात करते हैं इनसे क्या चाहते हैं लोग रोड के बारे में, किस तरह से धरना भी लोग चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। ये कौन सा गांव है? बचरी है। अच्छा, ये जो यहाँ से बंद हो रहा है 28 नंबर जो गेट है बंद हो रहा है, तो इसलिए आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे? धरना दिए हुए हैं, मंत्री जी से बात हो रहा है, मंत्री जी केवल मुंह से बोल रहे हैं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कौन मंत्री जी? RK सिंह जी है, जो यहाँ के सांसद भी हैं। जब चुनाव के समय तो कहते हैं जनता भगवान रूप है, अब भगवान का देख लीजिए क्या हाल है उनके नज़र में। दो दिन से भूखे प्यासे लोग बैठे हैं ठंडा के मौसम में जी। कहते हैं सरकार गरीबों के लिए है, मान लीजिए अब खेती गृहस्थी पे पूरा गांव यहां पर बैठा हुआ है। खाद लेकर साइकिल से जाना होगा तो यहां से 100 मीटर आगे जाइए, फिर ओवर ब्रिज पे 1 किलोमीटर जाइए, साइकिल लेकर खाद लेकर साइकिल कैसे जाएगा गरीब जनता सब? मान लीजिए इसकी जिसके पास बाइक है चार चक्का है तो चला जाएगा, साइकिल वाला क्या करेगा? सरकार तो गरीबों के लिए काम करती है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति है। लंबा हो जाएगा? नहीं, बहुत 5 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। दिक्कत होगा, दिक्कत होगा, 3-4 बार बाजार में जाना होगा साइकिल से, उसका तो हालत खराब हो जाएगा, रोज 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ेगा उसको। क्या क्या कह रहे हैं? स्कूल भी जाते हैं तो हम लोगों को ऐसे घूमकर जाना पड़ेगा, हर एक चीज में दिक्कत है। सरकारी अस्पताल जाओ, छठ पूजा में जाओ, ऐसे घूमकर जाना पड़ता है। ये रोड हम लोग अंडर पास दिलवा दीजिए, वो सही रहेगा हम लोगों के लिए। आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग का मांग है अंडर पास के लिए। अंडर पास हाँ, हम लोग का मांग जल्दी सुना जाए और इसका फैसला जल्दी किया जाए। क्या कहा? हम लोग का मांग यही है कि अंडर पास यहाँ पे बनाया जाए, नहीं तो यथावत इसी तरह से रोड रखा जाए। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग का दिक्कत यही है कि ये 4000 आबादी वाले गांव में 90% लोग जो हैं इसी रोड से आते जाते हैं, और ये रोड अगर बंद हो जाएगा तो लोगों के लिए बहुत कठिनतम हो जाएगा जाना आना, क्योंकि ये 3-4 किलोमीटर कर रहे हैं इसके लिए रोड के लिए जो है रोड चालू रहे। ये संघर्ष हम लोग का 19 तारीख से चालू है, और जब तक हमारे ग्रामीण जनता का मांगे पूरी नहीं होगा तब तक से हम लोग का अनशन जारी रहेगा। हमारे छोटे भाई भाजपा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं जो कि शर्मन राय, जो कि 19 तारीख से अभी तक से उपवास हैं, और इसके लिए आप वहां पर जाकर के देखें कि हमारे ग्रामीण जनता के माताएं बहन बेटी बहन बुजुर्ग लोग इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं, और जो हम लोग के क्षेत्रीय सांसद हैं माननीय RK सिंह जी, उनसे हमारे ग्रामीण जनता हम लोग जा करके मिले भी थे, उन आश्वासन दिए कि नहीं यहाँ पर अंडर पास होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अंडर पास नहीं हो करके रोड की 100% में 90% लोग इसी रास्ते से आना जाना हम लोग को हर दिन रहता है। ये देखने वाली बात है कि ये रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर हमारे गांव के जो बच्चे बच्ची स्कूल जाते हैं, हम लोग का मूल रूप से यहां पर कृषि है, किसान का हर काम कैसे होगा फिर यहां से? पूरा समस्या हो रहा है आप लोग, काफ़ी समस्या हो रहा है। इसलिए हम अपने सांसद माननीय RK सिंह जी से ये मांग करेंगे, भोजपुर जिला DM से, उसके बाद में रेलवे जो मुगल सराय हैं, ताकि इस रास्ता को ऐसे ही रहने दिया जाए, और नहीं तो हम लोग को अंडर पास दिया जाए। बिल्कुल, देख सकते हैं काफी आप लोग एक्टिव हैं इसके लिए। हाँ, एक्टिव है, पूरा धरना देंगे आप लोग? जी जी बिल्कुल, हम लोग एक्टिव है, सभी युवा हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सब पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे संघर्ष में पड़े हुए हैं इतनी भीषण शीतलहर में। अब तो स्थानीय सांसद से और जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। चाचा क्या कहेंगे रोड के लिए? देखिए, रेलवे लाइन से हमने के पूर्व बचरी गांव बा, आ सब हमने के जोत जमीन आधा एने बाधा होने बा, बच्चा से लेके हाई स्कूल कॉलेज है जा बहने बा, रेलवे से पहुँचिम, हॉस्पिटल बा पहुँचिम, खाद खरी चोकर के दुकान बा पहुँचिम, अब हमने के 4 किलोमीटर जाकर फिर खेत पर आबि जा, हॉस्पिटल जा, बाल बच्चा पढ़े जी जा, तो कठिन दिक्कत न हुई। बिल्कुल, देख सकते हैं जैसे हम रोड बात तैसे रहे हो, ना तो अंडरग्राउंड कर जा। लोगों का जो है कहना यह है कि यहाँ पर जो है अंडर पास अगर बनाया जाए, और नहीं तो जो है रोड बंद ना किया जाए, रोड बंद हो जाने की वजह से 3-4 किलोमीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से स्थानीय जो है बाजार जाने पर, पूरा समस्या है आप लोगों को। अरे हमारी मांग तो शीशे की तरह साफ है, या तो रोड को यथास्थिति छोड़ दिया जाए, नहीं तो अंडरग्राउंड बनाया जाए, नहीं तो हमारे समान जीवन में बहुत कठिनाई होगी, 4-5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा रोज, ये एक दिन की बात नहीं है ना, ये रोज की बात है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं इस तरह से बोला खाद का बोला आदमी लौदी होना हो जाए साइकिल से तो भेज जाइए 4 किलोमीटर दूरी पर, खेतों में खाद छीटे कोई तो लंबा दूरी हो जाता है, लंबा दूरी हो जाता है, लंबा दूरी हो जा रहा है। रोड से सर नहीं ना हम लोग का काम चलेगा। रोड चाहिए आप लोगों को? हम लोग का ये चाहिए,
जिस तरह से आप लोगों को दिखाने का हम कोशिश कर रहे थे, और इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि फाटक नंबर 28 जो कि आरा सासाराम रेल मार्ग के अंतर्गत जो है आता है, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।